हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, मैं हर बार बताता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ उसकी वीडियो डालू करूँगा। दोस्तों, आज हमने एक नया काम किया है। हम वैसे तो हम करते हैं, हमने पहले भी काफ़ी बार फिट किया है, और आज दोस्तों आपके सामने जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं, दोस्तों जो वैनिटी होता है काउंटर बेसिन, वो लगा करके दिखाएंगे। और दोस्तों, उसका पहले तो डाइवर्टर लगा हुआ था, हमने लगाया था पहले ही। दोस्तों जो वैनिटी है, ओनली काउंटर बेसिन, जिसका दोस्तों काउंटर होता है, दोस्तों वो सारा फुल स्टील का है, फुल स्टील का है। और दोस्तों उसके नीचे ड्रॉल वगैरह, जो ऊपर उसकी स्लैब जो कि कांच की है, ग्लास, और किस तरीके से लगाया, आप वीडियो को देखें। और जो मेरा भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है जगह जहाँ पे हमने वैनिटी लगाना है। ये हमारा डाइवर्टर, और दोस्तों बीच में जो सुराख दिख रहा है उसमें दोस्तों 1.25 इंची का पाइप लगेगा, जो कि वेस्ट पाइप के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वैनिटी का स्टैंड, और ये दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल है और ऑटोमेटिक है, जो अच्छे से इसके ड्रॉल। और ये देखिए दोस्तों, हम इसे कैसे लगाएंगे देखिए। ये दोस्तों, ये सुराख है दोस्तों हमारा वेस्ट पाइप, जो नीचे के लिए होता है उसके लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका लेवल सेट कर रहे हैं, हमने वैनिटी के ऊपर लेवल रख दिया है, जो हमारा लेवल होता है। उसके बाद दोस्तों हम निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम जो मैं लगा रहा हूँ, ये निशान लगा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, निशान पूरे अच्छे तरीके से लगाएं, कहीं एकदम हिल जाए या निशान लगे, आपका बिल्कुल परफेक्ट पकड़ के रखें। और निशान पूरे अच्छे तरीके से जिस जगह पे है उसी जगह पे लगाएं, और फुल डार्क निशान लगाएं, जिससे दोस्तों वैनिटी हटाएंगे तो हमें निशान बिल्कुल साफ दिख जाए। ये देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा लिए हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है उनमें ड्रिल करेंगे। ये देखिए, मैं आपको पास करके दिखा रहा हूँ, इनमें दोस्तों अच्छे तरीके से ड्रिल करें, जो हमारी ढाई सूत की गट्टी होती है पूरी अच्छी परफेक्ट अंदर जाए। और दोस्तों गट्टी निकालने के बाद, और जो हमारा सुराख निकालने के बाद, इनमें दोस्तों गट्टी लगा दें, जो जिसके अंदर दोस्तों पेच हमारा कसा जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमने सुराख निकाल करके गट्टियाँ लगा दी हैं, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमारा जो बेसिन है उसे हम, जो हमारा वैनिटी बेसन, इसे दोस्तों हम लगाएंगे। इसमें दोस्तों हमने जो लकड़ी में लगने वाले पेच होते हैं 2 इंच लंबे लगाए हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े पेच हैं, जिससे दोस्तों हमें अच्छी पकड़ बनेगी और पूरी मजबूती मिलेगी इसे। और चाहे कितना भी जोर या कोई चीज़ लगती है, जो हाथों जोर से लगता है, ये नीचे गिरने का बिल्कुल डर नहीं है। जैसे जैसे मर्जी हम कुछ भी कर सकते हैं इस पर। मैं दोस्तों आपको शॉर्टली तरीके से सिखाता हूँ पेच लगा करके। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको फास्ट करके दिखा रहा हूँ और लेवल चेक करके देख लिया है, हमारा वैनिटी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने वैनिटी को पेच लगा करके टाइट कर लिया है, और लेवल भी बिल्कुल दोस्तों इसका सेट है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसके ड्रॉल है। और अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारा ग्लास लगेगा, ये दोस्तों जो ब्लैक कलर का पत्थर दिख रहा है, ये दोस्तों पत्थर नहीं है, ये कांच का गिलास है, मतलब कांच है, ये ग्लास स्लैब है जो कि कांच की है। दोस्तों इसके ऊपर हमारा बेसिन आएगा, और इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है देखिए। दोस्तों इससे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा 1.25 इंची का पाइप है, जो हमने दीवार के अंदर, जो नैरी ट्रिप के अंदर जोड़ रखा होता है, जो हमारा हाफ पेडेस्टर के लिए यूज़ होता है या हमारे इस बेसिन के लिए यूज़ होता है वैनिटी के लिए, दोस्तों उसे हम कंप्लीट लगाएंगे। ये देखिए, हम दोस्तों इसमें बोतल ट्रिप नहीं लगा रहे हम। दोस्तों बोतल ट्रिप दोस्तों ज़्यादातर तो लीकेज बहुत करता है, इसलिए दोस्तों हम 1.25 इंची का पाइप लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम दोस्तों FTA लगाएंगे, जो कि 1.25 इंची का होगा, और जो हमारी CP वेस्ट है बेसिन की, इसके नीचे लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों,
कुछ इस तरीके से हम टाइट करेंगे इसको। एफटी लगाने का बाद दोस्तों हम बेसिन को वैनिटी के ऊपर रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने जो पहले तो 1.25 इंची दीवार से पाइप का टुकड़ा निकाल लिया था, अब दोस्तों वैनिटी से पाइप के टुकड़े तक हम मिनती करेंगे कितना पाइप लगता है। हमने दोस्तों मिनती कर ली है और काट करके उसके सेंटर में लगा देंगे और सोल्यूशन लाके दोस्तों पक्का कर देंगे जिससे लीकेज बिल्कुल भी ना हो। और दोस्तों हमने ऊपर की ओर का टुकड़ा सूखा लगाया है जिससे दोस्तों हमें बाई चांस खोलना पड़े तो खोल सके। और इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमारा वैनिटी के ऊपर लगने वाला दोस्तों जो ग्लास है, ये वाला स्लैब दोस्तों, ये कांच की है जिसे मैं ग्लास बोल रहा हूँ। और दोस्तों इसे हम सिलिकॉन से सेट करेंगे, मैं आपको थोड़ी वीडियो फास्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम जो हमारा वैनिटी है दोस्तों, ये फुल स्टील का है मैंने बताया, और इसके ऊपर दोस्तों हम सिलिकॉन जो लगा रहे हैं, सिलिकॉन दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से लगाएं। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ग्लास को रख देना है, जो ये वाला ग्लास है इसका कांच की स्लैब, ये देखिए ये लग चुकी है दोस्तों। अब इसको से पक्का करना है इसमें। ये देखिए दोस्तों, इस पे भी हम सिलिकॉन लगाएंगे। मैं दोस्तों आपको फास्ट करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे अच्छे तरीके से सिलिकॉन लगाएं। और ये देखिए दोस्तों, हमने सिलिकॉन लगा रहे हैं। लगाने के बाद दोस्तों ग्लास को पूरे अच्छे तरीके से ऊपर रख दें, जिसका दोस्तों साइज का जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन को बाहर की ओर ही रखें। ये देखिए हमने ग्लास रख दिया है। और इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमने मिरर लगाना है जो शीशा होता है। दोस्तों जो हमारा शीशा है उसके हमने निशान लगा लिए हैं, गट्टी लगा ली है, अब पेच कसने बाकी हैं। मैं दोस्तों आपको शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ, अगर मैं और सारी कंप्लीट दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, हम इसे टाइट करेंगे। अब दोस्तों हम मिरर को लगाएंगे, ये देखिए ये बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों फिट हो चुका है मिरर हमारा, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों जो इसकी स्लैब है, जो जिसके ऊपर दोस्तों कंघा या तेल वगैरह रखा जाता है, साबुन वगैरह रखा जाता है या पेस्ट वगैरह रखी जाती है, वो लगाएंगे। मैं दोस्तों आपको शॉर्टली तरीके से सारा कुछ दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी इसलिए। ये देखिए दोस्तों, हमने स्लैब लगा ली है। और उसके बाद दोस्तों हमने जो टावर रिंग के लिए निशान लगा लिए थे, अब उसके सुराख निकाल रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम टावर रिंग की जो प्लेट है वो कसेंगे। ये देखिए हम दोस्तों ड्रिल के साथ ही कसते हैं, जो हमारी ड्रिल मशीन है, ये देखिए। और ये देखिए हम अच्छे तरीके से टाइट कर दें। दोस्तों जो हमारा टावर रिंग है दोस्तों, इसका एल की का नट है, एल की वाला, इसे एल की नट से टाइट किया जाता है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, हमने टावर रिंग को टाइट कर लिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसिन है जो वैनिटी बेसिन काउंटर वाला, ये बिल्कुल रेडी है और पूरी अच्छी तरीके की दोस्तों। ये दोस्तों इसका मैं सबसे पहले आपको प्राइस बताता हूँ, इसका प्राइस दोस्तों 25,000 रुपये है दोस्तों। फुल ही स्टील का है, जो ये बीच में दोस्तों डिज़ाइन है लाइनिंग वाला, ये भी दोस्तों स्टील का है। और ये देखिए दोस्तों, हमारे नीचे इसके ड्रॉल, और इसके दोस्तों नीचे हमने बोतल ट्रिप की जगह 1.25 इंची पाइप यूज़ किया है जिससे दोस्तों लीकेज ना हो। और ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक है सारा कुछ, इसका ड्रॉल ऑटोमेटिक बंद होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।